नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनमत बिरादार। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज एक नया और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय आज हमने आपके सामने लाए हैं। और वो बहुत इम्पोर्टेंट विषय इसलिए है कि आज स्टार्टअप बिजनेस बहुत सारे लोग चालू करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन कौन से चीज़ में चालू करना है ये हमको समझ में नहीं आता। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज़ में जो डिजिटल फार्मिंग है, अभी डिजिटल जो वर्ल्ड आ रहा है आजकल, तो बहुत सारी लोग डिजिटल फार्मिंग में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इसके बारे में सर्च कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टार्टिंग बिजनेस इन डिजिटल फार्मिंग। तो चलो हम शुरू करते हैं। अभी आज इंटरनेट की कनेक्टिविटी भारत में तो बढ़ रही है। अभी एक पहले ज़माना ऐसे था कि जब ये इंटरनेट भी नहीं था हमारे इंडिया में, भारत में, उसके पहले किसान भाई एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम होता था सब लोगों को। जब मंडी में मिलते हैं तभी कुछ बात हो पाती थी, और कुछ ऐसा मतलब ज़माना ऐसा था कि हमारे कनेक्टिविटी के लिए बहुत प्रॉब्लम आता था। लेकिन अभी तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। आज तो हमारे सबके पास मोबाइल है, सबके पास अभी स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स आए हैं। अभी बहुत से जो फार्मर लोग हैं, किसान लोग हैं, अभी व्हाट्सएप ग्रुप उनके बन गए हैं। वो उनका नॉलेज जो है, जो कुछ किसानी के लिए नॉलेज लगता है, कुछ ज्ञान लगता है, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर करते हैं बहुत सारी लोग। और जो कुछ हमको डे टू डे बेसिस पे उनको जो मार्केटिंग का नॉलेज चाहिए, यहाँ कहाँ कौन सा अच्छा भाव चल रहा है, कौन से मार्केट में अभी क्या हो रहा है, या कौन सी अगर अपने क्रॉप पे कौन सा कीटनाशक देना है, ये इन सभी चीज़ों का जो है ना आजकल व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू किसान भाई शेयर कर रहे हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण है कि हमारी टेक्नोलॉजी कैसे चेंज करती है हमारे लाइफ, जो फार्मर के जो भी जीवन में भी ये बदलाव ला रही है। तो इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये कैसे बदलाव हमारे डिजिटल फार्मिंग कैसे मतलब हमारे जीवन में फार्मर के जीवन में कैसे, जो अभी कौन सी नई टेक्नोलॉजीज ये तंत्रज्ञान है जो आ रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये जैसे ड्रोन्स और ये इवन रोबोटिक्स, ये सारी जो तकनीक्स है, तो ये सारी तकनीक्स आजकल ये गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करने का सोच रहा है। इन सारी तकनीकों का हमारे कृषि में स्मार्ट फार्मिंग में कैसे उपयोग हो सकता है ये हम देखेंगे, क्योंकि अभी स्मार्ट फार्मिंग हो रही है। देखो, कृषि में जो बदलाव आ रहे हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी तो एक्चुअल लोग कृषि में ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, मशीन के जरिए काम करना चाहते हैं। तो ये मशीन्स को का काम हम कैसे कर सकते हैं, इसको क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये बिग डेटा क्या है। ये बिग डेटा मतलब बहुत सारा डेटा हमारे भारत के लेवल पे उपलब्ध है, क्योंकि किसान और किसान के जरिए बहुत सारी स्कीम्स योजनाएं सरकार मतलब ये लाती हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा डेटा होता है। वो डेटा का एप्लीकेशन कैसे करना है ये बिग डेटा के थ्रू हो सकता है। ये पूरा जो डेटा है उसमें ऑटोमेशन ऑफ फील्ड मशीनरी, सेंसर है, GPS ट्रैकिंग है, ये सभी का हम डेटा लाके हम इसको एक बिग डेटा के थ्रू इसको एनालाइज करके हम उस पर काम कर सकते हैं। तो ये बिग डेटा ये काम कर सकते हैं। ये दूसरा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। मीन्स क्या है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ ऑल कनेक्टेबल थिंग्स इंक्लूडिंग पीपल एंड डिवाइसेस। इसमें डिवाइसेस भी है, पीपल भी है। इसका उपयोग प्रिसीजन फार्मिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, सॉइल मॉनिटरिंग, वाटर मैनेजमेंट एंड फूड टेक्नोलॉजी, इसमें हो सकता है। इसके बाद में आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। अभी हम जो काम नहीं कर सकते वो ये बुद्धिमत्ता कर सकती है। इसमें जो फिक्स डेटा होता है, हम फिक्स जो डेटा उसको एनालाइज करके ये पूरा खुद ही डिसीजन लेगा ये मशीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे उदाहरण हमारे यहाँ है। हमारे मोबाइल में भी बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृषि में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसके बाद में है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एग्री वैल्यू चेन के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि इसमें ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ अ डेटा बेस सिस्टम दैट मेंटेन्स एंड शेयर्स ट्रांसपेरेंट एंड अनचेंजिंग रिकॉर्ड ऑफ द
हिस्ट्री। अभी जो हमारे यहाँ हो गया है, देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ट्रांसपेरेंटली काम करती है। जो कुछ हमारे यहाँ ट्रांजैक्शंस होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, उनका ये पूरा व्यक्तिगत तौर पर इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, ये परमानेंट रिकॉर्ड होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और रिकॉर्ड करने के पहले व्यक्ति को पूछा जाता है कि ये आपका जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो करेक्ट है क्या, तो इसीलिए फ्रॉड के चांसेस भी नहीं होते इसमें। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने एग्रीकल्चर के लिए, इसमें बहुत चांसेस हैं। इसमें तीसरा है अभी 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग भी बहुत अच्छा ये इसमें स्कोप है। जो 3D ऑब्जेक्ट्स है, तो आजकल ऐसे हो रहा है कि मशीन्स के पार्ट्स बहुत सारे हमारे यहाँ नहीं मिलते, तो मशीन्स के पार्ट के लिए हम आजकल जैसे हम बोलते हैं कि वेल्डिंग जैसे हमारे गांव में भी अवेलेबल होता है, तो वेल्डिंग हम उस तरीके से कर सकते हैं गांव में। उसी तरह अभी 3D मशीन के द्वारा हम मशीन्स के जो स्पेयर पार्ट्स हमारे यहाँ नहीं मिलेंगे, तो वो हमारे ट्रैक्टर है या फिर कोई भी एग्रीकल्चर मशीनरी, उसके अगर स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलता तो उसका डिज़ाइन से हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा 3D प्रिंटिंग का फ़ायदा है। उसमें दूसरा है रिमोट सेंसिंग एग्रीकल्चर। रिमोट सेंसिंग क्या होता है, देखिए ये सभी चीज़ें रिमोट सेंसिंग एग्रीकल्चर में, उसमें ग्रोथ, क्रॉप ग्रोथ है, क्लाइमेट चेंज है, सॉइल मॉइस्चर है, ये पूरा चीज़ों का वहाँ हमको पता चलता है, उसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। ये भी एक नए तंत्रज्ञान है। स्मार्ट फार्मिंग या डिजिटल फार्मिंग थ्रू हम ये चीज़ें कर सकते हैं, जैसे सॉइल के लिए हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सेंसर्स के थ्रू, वेदर के लिए जो मौसम का पूर्वानुमान है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, पेस्ट इन्फेक्शन जो है, जो कीटनाशक है उसका संक्रमण कैसे हो रहा है इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जियो टैगिंग ऑफ लैंड, हमारी ज़मीन का जियो टैगिंग भी कर सकते हैं हम। तो उसके बाद में बायो टैगिंग, जो अपना पशुधन है उसका भी हम टैगिंग कर सकते हैं, उसमें बार कोडिंग ला सकते हैं, उसमें स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड, ड्रोन्स के थ्रू हम पेस्टिसाइड ड्रोन कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, उसमें ट्रैक्टर, ऑटोमेटिक ट्रैक्टर भी आजकल आ रहा है, सेल्फ ड्राइव ट्रैक्टर, वो भी हम कर सकते हैं, वाटर पम्प अपना हम चला सकते हैं सेल्फ ड्राइव के थ्रू। जो मैनेजमेंट है पूरा स्मार्ट फार्मिंग का, स्मार्ट एग्रीकल्चर का, उसमें ये ऐसा होता है कि देखो मॉडर्न मैनेजमेंट में रिमोट सेंसिंग, GIS मीन्स जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें से पूरा एक के ऊपर दूसरा इसका अवलंबित्व होता है और ये एक दूसरे के साथ काम करती हैं। इसमें 5 चीज़ें एक साथ काम करती हैं। इसमें पहला है सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन। ये सैटेलाइट जो होता है ना, वो कैसे ऑब्जर्व करता है, उसमें हाईली एक्यूरेट डाटा आता है, हाई स्पीड रेजोल्यूशन का डाटा आता है, डेली मॉनिटरिंग होता है इसमें। उसके बाद दूसरा है फील्ड सर्वे। वो ये फील्ड सर्वे कैसे होता है, मोबाइल ऐप के थ्रू भी हम फील्ड सर्वे कर सकते हैं। क्रॉप आइडेंटिफिकेशन एंड मैपिंग होता है इसमें, ड्रोन और UAV बेसिस पे भी ये क्रॉप मॉनिटरिंग, उस फील्ड सर्वे हम कर सकते हैं। तीसरा इसमें है मेट्रोलॉजिकल डाटा। इसमें सॉइल सेंसर्स होता है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीडिंग एंड इक्विपमेंट इन्फॉर्मेशन इसमें हम कर सकते हैं मेट्रोलॉजिकल डाटा में। ये डिसीज इन्फॉर्मेशन में क्रॉप पेस्ट एंड डिसीज इन्फॉर्मेशन, वाटर स्ट्रेस कितना है, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी क्या क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रॉप हेल्थ क्या है, ये भी हम जान सकते हैं। और 5वां है स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स एंड IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरप्रिटेशन। इसमें ऐसे कि हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस, जो पुराना डाटा है, स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग और एकरेज एस्टिमेशन भी उसमें हो सकता है। ऑफ इंसेक्ट्स ऑन एंड पेस्ट्स यूजिंग सेंसर्स विथ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रैप्स, ये भी हम कर सकते हैं। और 6ठा है यूज ऑफ बायो सेंसर्स मैट्रिक्स एंड एनालाइजिंग द वीड्स एंड इंसेक्ट्स इन द फील्ड, इसको भी हम एक नया स्वरूप दे सकते हैं। इसमें बहुत सारी चांसेस है, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है और उसमें बहुत सारे हम अपडेट्स भी हम लेके आएंगे।